प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में दरोगा द्वारा सीओ को गोली मारने की धमकी देने का मामला अभी शांत में नहीं हुआ था कि एक बार फिर खाकी के दामन पर दाग लग गए हैं। सिविल लाइन थाने में तैनात कांस्टेबल शाहरुख पर मुजफ्फरनगर निवासी एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती ने आज आईजी से मिलकर आपबीती सुनाई और कार्यवाही की मांग की है। आईजी ने बताया कि कांस्टेबल के खिलाफ मुजफ्फरनगर में दहेज एक्ट और बलात्कार के आरोप में मुकदमा दर्ज है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी युवती के मुताबिक उसकी शादी मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन में तैनात आरोपी सिपाही शाहरुख से 3 साल पहले तय हुई थी। उसके बाद उसने फोन पर बातचीत शुरू कर दी और शादी का वादा कर जबरन उसका शारीरिक शोषण किया। जब शादी से 2 दिन पहले शाहरुख अचानक पलट गया और महंगी कार और 10 लाख रुपए की डिमांड रख दी, जिससे परिवार वाले पूरा करने में सक्षम नहीं है। युवती के अनुसार मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि क्योंकि सिपाही शाहरुख मुरादाबाद जिले में तैनात है, इसलिए जब तक मुरादाबाद पुलिस उसको निलंबित नहीं करती तब तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मुरादाबाद आकर मुरादाबाद आईजी से न्याय के लिए गुहार लगाई है। आईजी रमित शर्मा ने बताया कि एक युवती द्वारा शिकायत की गई है मुरादाबाद में तैनात एक सिपाही द्वारा शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया है, जिसके खिलाफ मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना थाने में मुकदमा दर्ज है। सिपाही के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आज मुरादाबाद में पुलिस के संपर्क किया है। मामले का संज्ञान लेते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस से संपर्क किया गया है, पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही। भैया क्या बात हुई आपके साथ? 3 साल पहले मेरा रिश्ता हुआ था शाहरुख के साथ। मेरे पापा ने सगाई की बहुत अच्छे से की 2 साल पहले। वो कुछ टाइम के बाद मेरे से फोन पे बात करने लगा, घर पे आना जाना हुआ। ज़बरदस्ती की उसने मेरे साथ, मना करने पर भी। रोइए मत। कितना टाइम आपका रिश्ता? 2 साल तक वो मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा, सिर्फ शादी का झांसा देकर। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं ये? बुढ़ाना के। आप कहाँ रहते हो? मैं भी बुढ़ाना की हूँ। अच्छा, इस टाइम कहाँ क्या करते हैं वो? कहाँ पर ड्यूटी है? उत्तर प्रदेश पुलिस में। किस जगह पर, कौन से शहर में? सिविल लाइन थाने में मुरादाबाद में। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद 26 अगस्त की शादी थी, हो गई थी, और 2 दिन पहले आके उसने गाड़ी की मांग की कि मुझे इनोवा कार चाहिए टॉप मॉडल, वो भी कैश पेमेंट में। पेमेंट कितना जी? और 10 लाख रुपए कैश। अच्छा, फिर क्या हुआ? 2 दिन पहले, मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है जो इतना देते। मेरे पापा ने उसको बहुत समझाने की भाई मेरी वरना दे रहा हूँ, बाद में मैं कर दूंगा शादी के बाद, पर उसने कहा अगर नहीं देते तो इस डिब्बे को अपने घर रखो और शादी से हवा खाओ। अब तो रिश्ता तोड़, शादी तोड़ दी? शादी तोड़ कर चला गया वो घर से। अच्छा, इसकी शिकायत आपने मुजफ्फरनगर में किसी अधिकारी से की थी? जी। क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं हुआ। तो अब यहाँ कौन से शहर में आया है? मुरादाबाद में आई हूँ मैं। किस लिए आए मुरादाबाद? इसलिए आई हूँ क्योंकि बुढ़ाना की पुलिस ये कह रही है कि हमारा काम पूरा हो गया, मुरादाबाद पुलिस का काम रह गया, जब वो उसे निलंबित करेंगे तभी हम उसे अरेस्ट करेंगे। तो यहाँ अधिकारी से मिलना आई हूँ? जी। क्या चाहते हैं आप? चाहती हूँ उसको निलंबित करें ताकि बुढ़ाना की पुलिस उसको अरेस्ट कर सके और मुझे इंसाफ मिले। लगभग कितने साल रिश्ता लगा रहा है आपको? 3 साल। जो मुजफ्फरनगर से नेहा नाम की लड़की आई है जो सिपाही पर आरोप लगा रही है कि उसने धोखा दे दिया शादी से एन वक्त पहले, इनकार कर दिया है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई इस वक्त? एक लड़की नेहा पुत्री तहसीन, ये बुढ़ाना थाना जनपद मुजफ्फरनगर से आई आज जनसुनवाई में, और जनसुनवाई में आके इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है एक आरक्षी शाहरुख के खिलाफ जो जनपद मुरादाबाद में तैनात है। इनका यह आरोप है कि उसके संग में इनकी शादी तय हुई थी और शादी के एन वक्त पे सिपाही ने इनकार कर दिया। इनके द्वारा दहेज एक्ट और 376 धारा में थाना बुढ़ाना में मुकदमा कायम कराया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया है। कार्रवाई को स्टार्ट करते हुए प्रारंभिक जाँच उस कांस्टेबल के विरुद्ध जो है वो आदेशित कर दी गई है और मुजफ्फरनगर जनपद से मुरादाबाद जनपद कोऑर्डिनेट करके इसमें आगे की कार्रवाई करेगा और जांच के हिसाब से जैसे तथ्य पाए जाएंगे उस अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।